अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांडी सोफिया कुकिंग शो उम्मीद है सब खैरियत से होंदा। मज़ेदार रेसिपीज तांजे ला खणी पहुंचा, तमाम बेहतरीन रेसिपीज जेके खादा रमज़ान में असा डिफरेंट ठाया, उनका पुछ चिकन बटन बीफ काफ़ी सारी शयूं ठाहियूं। हाणे सब्ज़ियूं जेके भाॼियुनि जी पे सीज़न आहे ऐं गर्मियूं बि आहिनि, त हिन में वधीक असां भाॼियूं दालूं अहिड़ी शयूं बि ठाहींदा आहियूं, छाकाणि त हर घर में हमेशा डेली मटन चिकन इहो न खाइबो आहे, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी भाॼियूं खाइबियूं आहिनि। गोश्त खाइण खां बहितर आहे कि तव्हां वेजिटेबल्स भाॼियूं ऐं दालुनि में, वधीक प्रोटीन आहे त दालूं बि वधीक इस्तेमालु कंदा कयो, पंहिंजे ॿारनि खे बि आदि कयो हिन शयुनि जो, छाकाणि त ॿार बिल्कुलु नथा खाइनि अॼुकल्ह, त घर जे खाधनि ते ॿारनि खे आदि कयो। अॼु मज़ेदार रेसिपी ठाहियां पियो, दाल असां ठाहींदा आहियूं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी भाॼियूं ठाहींदा आहियूं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं, अॼु दाल ऐं मिक्स सब्ज़ी खे गॾु करे ठाहींदासीं, यानी दाल मिक्स वेजिटेबल। हीअ रेसिपी जो नालो आहे दाल मिक्स वेजिटेबल, जंहिंमें मिक्स भाॼियूं बि आहिनि ऐं ॿ मिक्स दालूं बि आहिनि। तमामु बहितरीन हीअ रेसिपी ठहंदी, हिनखे चांवरनि सां बि खाई सघो था, हिनखे मानी सां बि खाई सघो था ऐं हिनखे तव्हां पराठनि सां बि खाई सघो था। हुनजे अलावा असां छा ठाहियूं पिया, मिर्च जेका सावा मिर्च हूंदा आहिनि कढ़ाई कुछ में असां इस्तेमालु कंदा, ॾही वारा मिर्च, ॾही वारा मिर्च तमामु बहितरीन भरियल मिर्च हूंदा ऐं ॾही जे मसाले में ई ठहंदा। उहो तव्हां ठाही हफ़्ते ताईं रखी सघो था, तमामु बहितरीन ज़बरदस्त, कुझु बि खाइण जो दिलि न पियो करे, सिर्फ़ु हिन मिर्च सां तव्हां मानी खाईंदो तॾहिं बि तमामु बहितरीन लॻंदो। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो, स्क्रीन ते नंबर ले पियो, काफ़ी फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे कॉल करे पुछी सघो था। एनएक्स सां असां सां गॾु एनएक्स में जूसर, ब्लैंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वग़ैरह सभु वठी सघो था। अॼु की जो हम रेसिपी बना रहे बिल्कुल डिफरेंट है, दालें हम बनाते हैं, सब्जियां हम बनाते हैं। आज मैं मिक्स सब्ज़ी और दाल को मिक्स करके बना रहा हूं, तो इस रेसिपी का नाम होगा मिक्स सब्ज़ी दाल। मिक्स सब्ज़ी दाल यानी दो किस्म की दालें हैं और 4-5 किस्म की सब्ज़ियां एक साथ बनेंगी। आप इसको सफ़ेद चावल के साथ खाएंगी तब भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी, रोटी नान के साथ खाएंगे तब भी बहुत अच्छी लगेगी। सिंपल, बच्चे शौक़ से नहीं खाते दालें, बच्चे शौक़ से नहीं खाते सब्ज़ियाँ, तो गोश्त और चिकन, बीफ, मटन, फ़िश तो हम खाते हैं। दालें और सब्ज़ियाँ भी अपनी लाइफ में रखें, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा सब्ज़ी खाया करें, 2 से 3 दफ़ा दाल भी रखें लाइफ में। इनमें प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिंस हैं, जो हमारे फ़ाइबर हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर मैदे के लिए, स्टमक के लिए। कब्ज़ नहीं होता, मैदे की एसिडिटी वगैरह ये सब ख़त्म होती है और आंतें भी नरम रहती हैं। सिर्फ चिकन और तली हुई चीज़ों पे अगर रहेंगे तो ये फिर आगे नुकसानदेह भी होता है, हार्ट के भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दाल और सब्ज़ियाँ अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही हम बना रहे हैं, एक तो बना रहे हैं दाल मिक्स सब्ज़ी, ठीक है, ये एक ही रेसिपी है। सेकेंड रेसिपी हमारी क्या है, दही वाली मिर्च, दही मिर्च भी कह सकते हैं, दही वाली मिर्च, ये बहुत ही ज़बरदस्त भरी हुई मिर्चें बनेंगी। सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ, एनएक्स में है जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सब्ज़ी दाल मिक्स, ठीक है। इसके लिए हमने मिक्स वेजिटेबल्स लेनी है, किसी भी तरह की मिक्स वेजिटेबल लेंगे और क्वांटिटी में बताता जाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले हम पतीला लेते हैं जिसमें हमने वेजिटेबल्स बनानी है। इसके लिए हमने लेना है 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, क्योंकि इसमें भगार भी जाएगा, तो फ़िलहाल हम 6 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। मथा दाग विंदो तो फ़िलहाल इनमें 6 खाने जा चम्मच असा विझंदासीं कुकिंग ऑयल। ऑयल जी इतने गर्म थी, इनमें विझंदासीं बसर 1 गंढ, ठीक है, 1 अदद प्याज, जैसे हम सालन के लिए कटिंग करते हैं नॉर्मल, इस तरह आपने 1 अदद प्याज ले लेना है, ये नॉर्मल हाफ स्लाइस कटिंग करके आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है, ठीक है। और प्याज को आपने लाइट सा कलर में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ियों में, दालों में जब हम प्याज डालते हैं तो उसको हल्का गुलाबी करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, क्योंकि गोश्त, चिकन, बीफ, मटन में हम सब्ज़ियों को या कोरमा वगैरह बना रहे हैं, फिर उसमें हम प्याज को ज़्यादा डार्क करते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्याज का कलर डार्क होने लगेगा, यहाँ पे हमने सब्ज़ियाँ ऐड करनी है इसमें, ये देखें, 1 कप जितनी पालक, 6-7 पत्ते ले लें पालक के, बारीक बारीक कटिंग कर लें। फूल गोभी 1 ले लें छोटी, उसके हाथ से फूल तोड़ लें, अगर बड़ी आपके पास है तो उसका हाफ ले लें, 1 कप जितनी होनी चाहिए फूल गोभी। 1/2 कप मटर, ये है ग्वार की फली, ग्वार की फली आजकल मिल रही है, कच्ची आ रही, ग्वार की फली ले लें 8-10 दाने, बीच से 2 कर दें इस तरह लंबाई में वॉश करके। गाजर, चाइना वाला गाजर आ रहा है, लाल गाजर अब नहीं आ रहा, तो ये भी आप डालें, ये भी मीठा होता है, मज़े का होता है, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। 1 छोटा गाजर, 1 बैंगन है, बैंगन को अभी नहीं काटा, छोटा बैंगन लिया है, क्योंकि मिक्स करके सब्ज़ियाँ अच्छी खासी हो जाएंगी तो ज़्यादा ना हो क्वान्टिटी, ठीक है। इसके अलावा 1 लौकी ले लिए छोटी सी,
छोटी लौकी भी मिल जाती, उसको भी इस तरह मोटे स्लाइसेस में कटिंग करके पानी में इसलिए डिप किया हुआ है कि ये कलर डार्क ना करे। एक आलू है यहाँ पे नॉर्मल कटिंग किया हुआ, छोटा दरमियाने साइज़ का आलू। सब्जियाँ हमने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, जो आपको पसंद हो आप वो सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दाल कौन सी है, मूंग और मसूर। मूंग और मसूर की दाल है, मिला के दोनों एक पाव से कम होनी चाहिए, 150 ग्राम या आधा आधा कप से थोड़ी सी ऊपर ले लें, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि एक पाव अगर दाल होगी तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और ये चीज़ें हो जाएंगी एक्स्ट्रा, तो आपने अंदाजे से दोनों चीज़ें मिला के 1.25 कप जितनी ले लेनी, यानी दोनों दालें मूंग और मसूर की दाल। इसको 2 घंटे पहले आपने भिगो के रखना है। हाँ मैं बुधाया पे कि इनमें ऐसा छाछा विझंदा सी, बसर इतने 6 खंड चमचा ऑयल गरम कर, बसर विधो एक घंट बसर के इतने गाढ़ो पियो क्या, जी बसर इतने गाढ़ो थे लगन दो, तो इतने असा भाजू इनमें ऐड कंदा सी। भाजी में छावी दो मटर 1/2 कप, हे आहे गुआर जी फली नरम कच्ची हुजन, गुआर जी फलियों 8 खी वो विच में ब करे छो वे पीसिस में। फूल गोभी नंढो एकड़ो फूल खी वो, फूल गोभी होंगी है एक पत्ता गोभी होंगी, एक फूल गोभी ही नंढा नंढा पीस कर छो, बारीक न कजो। पालक जो 6-7 पत्ता खी बारीक कटिंग कर छो, एक गजर खी वो स्लाइस कटिंग कजो, एक वांगण नंढड़ो है ऐसो इन साइज़ या नंढड़ो वांगण हो, एक पटाटो है उन लौकी नंढी 1 कप जितनी लौकी। प्याज आप देखेंगे जैसे यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हुआ, 6 खाने के चम्मच ऑयल में हल्का गोल्डन फ्राई हो गया। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है। 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया या कुटा हुआ डाल दें। 2 खाने के चम्मच हरा लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हरी मिर्चें यहाँ पे 2 अदद मोटी वाली डाल दी हैं। 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें अगर बारीक है तो तेज़ होगी, फिर आपने 1 डालनी है। ये भी तो बसर अदरक थूम कुटियल बखाने जा चमचा आयोन सा गड असा इतने विधा 2 अदद सावा मिर्च। अब इसमें जितनी वेजिटेबल्स है ना ये सारी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये डाल दी आलू, 1 डाल दिया लौकी छोटी सी पानी से निकाल के, 1 कप जितनी लौकी होनी चाहिए ज़्यादा नहीं, 1 लौकी डाल दी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, इस तरह आपने बना के देखना है, ठीक है। इनको भूनेंगे। बैंगन मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि बैंगन जब तक पकेगा गलेगी सब्जियां तो बैंगन बिल्कुल हलवा बन जाएगा। बैंगन हम जब हाफ डन हो जाएंगी सब्जियां आधी पक जाएंगी तो फिर हम बैंगन ऐड करेंगे, ठीक है। शिमला मिर्च ऐड करना चाहे तो शिमला मिर्च भी आखिर में आप ऐड करेंगे क्योंकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब इन सब्जियों को हमने 2-3 मिनट तक भूनना है, 2-3 मिनटन ताइन इन भाजीन के भुंजंदासी, ठीक है। 2-3 मिनट तक हम इन सब्जियों को भूनेंगे। अब मैं क्या करूँगा, बैंगन को बाद में कटिंग करूँगा। यहाँ पे हमने ले लेने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, ठीक है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटिंग करके रखे हुए हैं, 3 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटिंग करे रखे हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही इजी ये रेसिपी बनेगी। चीज़ें साथ साथ साइड में करता जा रहा हूँ। 3-4 मिनट आपने सब्जियों को भूनना, ठीक है। साबित हैं सब्जियाँ कटी हुई, बैंगन अभी नहीं डाला है, वांगण अना नविदो है, भाजीन के इतने भुंजंदासी। मूंग और मसूर की दाल जल्दी गल जाती है तो उसको आपने 2 घंटा पहले भिगो के रखना, ये बहुत इजी रेसिपी है, ठीक है। मिक्स वेजिटेबल दाल कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़, नहीं तो लाइन ड्रॉप हो जाएगी। ओके। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हैदराबाद जी। कहती हैं आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे जी? कुछ कहना चाहेंगी जी? जी बताएं। हेलो जी, वो मुझे पूछना था मैक्रोनी के बारे में। जी बिल्कुल पूछें। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपके फोन से मेरी आवाज वापस आ रही है घूम के। ओके। मुझे मैक्रून के बारे में पूछना था, जैसे कि वेजिटेबल मैक्रून में हम कौन से सॉसेस डालें तो अच्छा टेस्ट आएगा? एक तो सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस ओ से आएगा, एक आता है ऑयस्टर सॉस डब्लू से आता है, ये ओ से आता है ऑयस्टर सॉस, ये डालेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, ऑयस्टर सॉस 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, वो आप डिपेंड करता है कितनी यूज़ कर रही है ना, और चिकन पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और नमक और थोड़ी सी चीनी 1/2 टीस्पून डालिएगा, बस ये सॉसेज और ये स्पाइसेस होते हैं, ठीक है। और ओरिगानो अगर डालना चाहती हैं तो वो भी डाल सकती हैं या मिक्स हर्ब। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।
जी जी हेलो जी बस चलें ठीक है। अच्छा YouTube पे हमारा चैनल बना हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकती हैं। मैक्रोनी मैंने बनाना सिखाई है बहुत सारी किस्म की, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। YouTube पे हमारा YouTube पे चैनल है सिंध टीवी HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल। कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगी YouTube पे, आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। वाइट मैक्रोनी पास्ता है, वाइट पास्ता है, स्पाइसी पास्ता है, चिकन टिक्का पास्ता है, वेजिटेबल पास्ता, इस तरह डिफरेंट किस्म के पास्ता मैक्रोनियाँ बनी हुई हैं। तो आप YouTube पे सर्च करें कुकिंग विद फैसल, जब आप खोलेंगी सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, वीडियोस वाला ऑप्शन आएगा ऊपर, ऑप्शन होता है वीडियोस, वीडियोस को क्लिक करेंगी तो सारी लिस्ट खुल जाएगी, उसमें 1000 के करीब रेसिपीज़ हैं, तो वहाँ ईजीली आपको मिल जाएगी। अगर इस तरह नहीं समझ आ रहा तो मैक्रोनी या पास्ता सर्च करके ना रेसिपी बाय कुकिंग विद फैसल सर्च करेंगी तो इस तरह भी आपको निकल आएगी वो रेसिपी डायरेक्ट, ठीक है। अब देखें सब्जियों को मैंने 3-4 मिनट फ्राई किया था, उसके बाद 3 टमाटर डाल दिए थे भाजीन के, मां 3-4 मिनट फ्राई कयो, हुन जे बाद मां इन में 3 टमाटा विधा हुआ। ऐं टमाटा हाणे नरम थियण लॻन जीअं त पोइ तव्हां जेका दाल पिसाए रखी हुई 1.5 कप दाल हुई मूंग ऐं मसूर जी, ॿई पीली वारी ऐं ॻाढ़ी वारी दाल बग़ैर छिलकनि जे धोतल। चणनि जी दाल विझणु चाहियो त विझी सघो था 1/2 कप जेतिरी, अदरवाइज़ ज़रूरत नाहे। चने की दाल अगर पसंद है तो 1/2 कप आप इसमें डालेंगी, वरना ज़रूरत नहीं है। अब दाल का जो भीगा हुआ पानी इसके साथ ही आपने दाल डाल देनी है, क्योंकि दाल को आपने 2-3 दफ़ा पहले वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आपने इसमें भिगोना है, ठीक है, ताकि उसकी जो मिट्टी है ना दाल की वो निकल जाए। दाल की जो मिट्टी होंगी वो निकली वे 2-3 दफ़ा चंगी तरह पानी से धोए जो, उनके बाद जो पिसाए रखन जो जे पानी से उन पानी से गड़ी दाल के भिजी छोड़ो। 1.5 कप दाल थी भीगी हुई मिक्स, और ये दाल डाली। अब इस दाल को 2-3 मिनट यहाँ पे भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, जिसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय जो चम्मच हेड पीठल, 1 चाय जो चम्मच पीठल गाढ़ा मिर्च, 1 चाय जो चम्मच कुटियल गाढ़ा मिर्च, 1 चाय जो चम्मच हेड पीठल, 1 चाय जो चम्मच पीठल गाढ़ा मिर्च, 1 चाय जो चम्मच कुटियल गाढ़ा मिर्च, सॉरी तीनों चीज़ें चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला जाएगा, चाट मसाले से बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा, 1 चाय जो चम्मच लून, 1 चाय जो चम्मच चाट मसाले, ठीक है। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, चिकन पाउडर आप डालेंगी इसमें 1 खाने का चम्मच, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। चिकन पाउडर इजीली मिल जाता है, साशे में भी मिलता है। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। वेजिटेरियंस फैमिलीज़ हैं तो चिकन पाउडर ऐड ना करें, और अगर वो वेजिटेरियंस फैमिलीज चिकन खाते हैं तो फिर आप, बहुत से लोग खाते भी हैं तो चिकन आप पाउडर ऐड ना करें, और करना चाहें तो कर सकते हैं। चिकन पाउडर विधो आए इनमें 1 खाने जो चम्मचो, ये देखें। अभी इसको 2-3 मिनट हम भूनेंगे, उसमें पानी डाल के फिर इसको पकाने के लिए रखेंगे। जब सब्जियां गल जाएंगी फिर अच्छी तरह भून के फिर इसको भगार लगाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, ठीक है। मिक्स वेजिटेबल दाल, दाल हमने मूंग मसूर ली, आप ऑप्शन में कोई भी दाल ले सकते हैं। मूंग ऐं मसूर जी दाल वरती खई हुई मां, तव्हांखे जेका दाल वणे में भी सघो था। चने की दाल डालना चाहें तो 1/2 कप वो भी आप भिगो के इसमें डालेंगे, लेकिन चने की दाल को अच्छी तरह भिगो जाएं अपने 2 घंटे, ताकि ये पकने में सॉफ्ट हो जाए। अभी मसालों के साथ भुनाई करके अब मैं इसमें डालूंगा कसूरी मेथी, खुश्क मेथी होती है ना कसूरी मेथी, ये हम डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच हाथ से मसल के। 1 चाय का चम्मच डाल दी है कसूरी मेथी हाथ से मसल के। अभी मैंने बैंगन इसमें नहीं डाला है, ठीक है, बैंगन अभी भी बाहर रखा हुआ है, बैंगन अभी नहीं डाला है, क्योंकि बैंगन इसमें हलवा बन जाएगा बिल्कुल। जो सख्त सब्ज़ियाँ होती हैं पहले हमने उनको भूनना है, दाल नरम हो जाएगी इसमें भुनाई में, उसके बाद अब मैं इसमें पानी डालूंगा। जब इसमें आपको लगेगा थोड़ा सा ग्रेवी इसकी गाढ़ी होने लगी है, अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो फिर उसके बाद इसको रख देंगे हल्की आँच पर। गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया आखिर में जाएगा, और एक भगार बनेगा इसके ऊपर ज़बरदस्त, वो आखिर में जाएगा। अब आप देखेंगे जब ऑयल ऊपर आ गया, बबल्स बनने लगे, हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी, ठीक है। 4 कप पानी विझंदासीं जॾहिं तव्हां ॾिसंदो भाॼियुनि खे तव्हां फ्राई कयो चङी तरह। हे ॾिसो हिन तरीक़े सां दालें, क्योंकि मूंग मसूर की दाल जल्दी गल जाती है, इसी में गल जाएगी। देख इस तरह गाढ़ापन आ गया,
क्योंकि पहले अगर हम सब्ज़ी में पानी डाल के ना पकाते तो फिर क्या होता, सब्ज़ियों के अंदर टेस्ट नहीं आता मसालों का। अब सब्ज़ियाँ जब भुनाई पर गई हैं ऑयल के साथ मसालों के साथ, तो सब्ज़ियों के अंदर एक फ़्लेवर आएगा, वरना वो फिर फीकी रह जाती हैं जो हम डायरेक्ट दाल में डालते हैं बॉयल करते हैं। ठीक है, भाजीन के इनकर भुनियों मसालों से ताकि भाजीन के अंदर सुठो सो फ्लेवर अच्छी बने। हाँ असाते वेजासी 4 कप पानी, ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं 4 कप पानी डाल रहा हूँ, अंदाजे से डाल रहा हूँ, आपने पूरा 4 कप नाप के पानी डालना है। ठीक है, अब पानी डालने के बाद इसमें एक बॉयलिंग आने देंगे, जब इसमें पानी में बॉयलिंग आ जाएगी ना फिर हम इसको कवर करेंगे, जब तक ये बॉयल नहीं होता है तब तक कवर हटा के आपने तेज़ आंच पे बॉयल करना है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई दाल सब्ज़ी, ठीक आहे, मिक्स वेजिटेबल दाल, हाणे मां हिन में वाङण विझां पियो। जब यहां पे आप देखेंगे बॉयलिंग आ गई थी, ब्रेक पे चले गए थे, मैंने पानी डाला था और कवर नहीं किया, इसमें बॉयलिंग आ रही। एक बैंगन छोटा लिया, इसके स्लाइसेस कटिंग करके ना अब मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि पहले डालते ना बैंगन बिल्कुल हलवा बन जाना था। ठीक है, ये डाल दिए बैंगन और इसको करेंगे मिक्स। वाङण हाणे विधो मां हिन में, भाजियूं थोड़ी गरी बि वियूं आहिनि ऐं दाल बि हिन में मिक्स थी वई आहे, पाणी विझी हिनखे बॉयलिंग अचणु ॾिनी, तेज़ बाहि ते जॾहिं बॉयलिंग अचे हुनजे बाद तव्हां हिन में वाङण विझंदो। ठीक है, अब तेज़ आंच पे इसमें बॉयलिंग आ रही है, बैंगन मैंने डाल दी, अब मैं इसको कवर करूँगा और इसको 20 मिनट आपने हल्की आँच पर पकने देना है। 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम इसको भगार देंगे। तो अब इसको हम करेंगे कवर, ठीक है, चूल्हा चेंज करते फिर सेकंड रेसिपी यहाँ पे तैयार करते हैं। हाने मैं इनके जडे बॉयलिंग अची वही 5 मिनट तेज़ बाहे ते वांगण विधो, हल्की बाहे ते इनके रखंदासी दम ते, दम का थोड़ो मते 20 मिंट बस छड़ी वर्जो, लेकिन सड़े ना इन शे जो ख्याल रखो हेठा लगे ना घाटो न थी वे। अब हम बनाते हैं दही मिर्च। ठीक है, दही मिर्च के लिए हमें यहाँ पर मिर्चें चाहिए, कढ़ाई कट वाली जो बड़ी मिर्चें होती है ना वो आपने ले लेनी है इस तरह, और मिर्चों को कट लगाना है, पहले वॉश करना है, वॉश करने के बाद सुखा दें कपड़े से, फिर उसके बाद आपने कट लगाना है। कट लगा के ये देखें अंदर से बीज निकाल दिए, और ये बीज निकालने के लिए एक छोटा चम्मच होता है ना टीस्पून, इसका उल्टा हिस्सा लें इस तरह, अंदर से ये सारे बीज यूँ निकल आएंगे, हाथों में भी नहीं लगेंगे, हाथ भी नहीं जलेंगे और आपके बीज इसके सारे निकलेंगे। बीज कढ़ने लाइ कढ़ाई वाला जो सावा मिर्च होता है ना मोटा, एक जर्मन मिर्च होता है वड़ा पकौड़न वाला, वो ना कढ़ाई में जो मोटा मिर्च विझा सावा थोड़ा तिखा होता है, कट लगाएं पहले, धोईंदो, धोइण का इनके कट लगाइंदो, कट लगाइण का पो ता इनके चमचो खणजो उबतो इनका ये कट आराम आराम से जा सजा बिज निकरींदा, ता ही एक पाव जितरा सावट सावा मिर्च है, एक पाव हरी मिर्च है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सारी मिर्चों के बीज निकले में एक प्याला लेना है, इसमें हमने एक मसाला बनाना है जो हम भरेंगे मिर्चों के अंदर, तो इसके लिए हमने लेनी है एनएक्स की ग्राइंडर, या उखरी मोरी में भी कुटे सको था। ठीक है, मैं इतने एनएक्स की मशीन खड़ा पियो, जेका एनएक्स की ग्राइंडर है, हिन में असा लगाइंदासी सजा मसाला, ग्राइंड कंदासी, क्या क्या चीज़ें ग्राइंड करनी ये आपने गौर से देखना है। ये है साबित धनिया 4 खाने के चम्मच, 4 टेबल स्पून, जिससे हम चावल खाते हैं बिरयानी खाते हैं, 4 खाने के चम्मच साबित धनिया, साबित धाणा 4 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच साबित धनिया, ठीक है, 4 खाने के चम्मच साबित धनिया इस तरह, जैसे बहुत ज़्यादा बारीक ना हो कुटा हुआ हो। इसके बाद हम लेंगे इसमें 2 खाने के चम्मच सौंफ, सौंफ की क्वांटिटी अच्छी होगी तो ये टेस्टी बनेंगे, 2 खाने के चम्मच सौंफ, 4 खाने के चम्मच साबित धाणा। ठीक है, होने के बाद असा इतने विझंदी 0.5 खाने के चम्मचों, 1.5 खाने का चम्मच जीरा, एक साथ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती हैं एक साथ पीसने में, 4 खाने के चम्मच सौंफ, 2 खाने के चम्मच 4 खाने के चम्मच सफ़ेद साबित धनिया, 2 खाने के चम्मच सौंफ और 1.5 खाने का चम्मच जीरा, 4 खाने के चम्मच साबित धाणा, 2 खाने के चम्मच सौंफ, 1.5 खाने के चम्मचों तां विझंदो अछो जीरो। यहाँ पे है मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना भी ग्राइंड करके डालेंगे। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं मिठू खास से फराबाद से हूं। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, आपको जुम्मा मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। कौन से सिटी से बात कर रही हैं?
भाई मीरपुर खास से जी, कुछ कहना चाहेंगी? जी बस मैं ये बता रही थी, कल मैंने भी बात की थी ना आपको, चटनी का कहा था किस? हाँ जी हाँ, खजूर और उसकी जो अचारों के साथ, ठीक है? नेक्स्ट वीक वो बात की जी, और मैं आज कह रही थी आज मैंने टिक्का बिरयानी बनाई। क्या करूँ आज? नहीं क्या आज वो बिरयानी बनाई है आपने बताई थी ना। हाँ हाँ बनाई आपने आज? जी जी आज बनाई है। चलिए अच्छी बनी जी बहुत, और मेरी सारी बहनें आपकी बहुत फैन हो गई हैं, सारे बहनों ही। चलें बहुत बहुत शुक्रिया, कोई और फरमाइश करनी है आपने? जी बस यही बोलना था, बहनें कहने लगी हमारी तरफ से भी तारीफ कर दिया करो भाई की, सब ससुराल में है ना, सब आपकी तारीफ कर रही है। चलें मेरा सलाम कहिएगा सबको, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा और आपके बोलने का अंदाज माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अब हमने लिया मेथी दाना यहाँ पे एक चाय का चम्मच, मेथी दाना एक चाय का चम्मच लेके ना आपने कूट लेना है। मेथी दाना जैसे कुटा हुआ होता है ना, सख्त होता है, तो ये ऐसा होना चाहिए कि 20 से दो दाने हो जाएं। उड़बे या बिज जेका मेथी दाना होता है ना, वो एक चाय जो चमचो उखरी मोरी में कुटे वो या मशीन में, लेकिन इलाही बारीक न करो जी, विच में ब दाना थी वन। हाँ विजंदी इनमें कलौजी, कलौजी हमने डाल दी है एक चाय का चम्मच या डेढ़ चाय का चम्मच, ठीक है? ये चीज़ें डाल दी, इसके बाद इसको करेंगे मिक्स। ये देखें ये कुटा हुआ मसाला है, ठीक है, कुटियल मसालों है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लेमन का जूस, लेमन का जूस हम इसमें डालेंगे 6 खाने के चम्मच जितना, ठीक है, 6 खाने के चम्मच। और नमक इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच भर के, क्योंकि मिर्चों में इसमें मसाले में नमक बैलेंस होना चाहिए, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय जो चम्मच लूण वो आई होने के बाद अस इनमें लीमा विजंदी एतरा विझ जो के एक मसालो जो है थोड़ो आलो थी वने, ठीक है, मसाला जो है वो गीला हो जाए, इतना आपने लेमन का जूस डालना है, 6 खाने के चम्मच भी जा सकता है, ठीक है, और उसके साथ एक उसके अलावा 7 खाने के 8 खाने के चम्मच भी जा सकता है। अब मैं इसमें तकरीबन 5 लेमन डालूंगा, फिर देखते हैं कितना इसमें ज़रूरत पड़ती है, मीडियम साइज़ के, अगर बड़ा लेमन है तो उस हिसाब से आपने बढ़ाना है। लाल मिर्च वगैरह इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी, एक्स्ट्रा स्पाइसेस कुछ भी नहीं जाएंगे, ठीक है, सिर्फ हल्दी और नमक का इस्तेमाल होगा, दही का इस्तेमाल होगा, ये डिफरेंट मज़ेदार रेसिपी बनेगी, और सरसों के ऑयल के साथ, सरें जो ऑयल जो असं खटाण में विझंदा आयो ना, उन ऑयल से गड तक ठाईद तद ही मज़े की मिर्चू ठाद, एक हफ्तों 10 दिन तक इनके रखी सको। था लेमन अच्छी तरह आपने इसमें डालना है, इतना कि मसाला आपका गीला हो जाए। अब इसको हिला के देखते हैं, तकरीबन 6 खाने के चम्मच जा चुका है, थोड़ा और डालूंगा इसमें, 6 खाने का चम्मच लीमो इनके अंदर बनी चुका है, 6 टेबल स्पून से 8 टेबल स्पून तकरीबन लेमन चला गया, ठीक है, बस ये काफ़ी है, 8 खाने के चम्मच लेमन चला गया इसके अंदर। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसी में मिलाएंगे, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह फुल भर के 1 टेबल स्पून इस तरह आपने भर के डालना है, फुल भरे 1 खाने जो चम्मचों अदरक आई थूम जो पेस्ट। अब ये मसाला सारा मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ही पूरा मिक्स किया, अदरक लहसुन का पेस्ट फुल भर के 1 खाने का चम्मच। अभी गीला हो गया मसाला बिल्कुल, अब क्या करेंगे, जो मिर्चें हैं ना हमारे पास कट लगा के उसके बीज निकाल के, तेज़ी नहीं हो मिर्चों में, अब यहाँ पे सब्ज़ी को भी चेक करते हैं। ये देखें इसमें गाढ़ापन आ रहा है, दाल भी घुट गई है इसके अंदर, बिल्कुल मैश हो गई है, 15 मिनट ऑलमोस्ट हो गए, अभी भी इसको 5-8 मिनट और पकाएंगे, 5-8 मिनट अना ही दमते रहो। सावा मिर्च जेके इनके हाँ भरना शुरू किया, तो ठीक है, हरी मिर्चें जो हैं ये मैं भरना शुरू करता हूँ, बल्कि इस तरह एक प्लेटर रखते हैं साथ, जिसमें ये सारी मिर्चें आप भर के डालनी है। देखें बीज बिल्कुल भी नहीं है, बीज इसके अंदर से निकाल लेंगे और ये सारा मसाला इसके अंदर भरेंगे, हरी मिर्चों का कट लगा के, ठीक है, दही मिर्चें और ये दही और हल्दी अभी इसमें जाएगी, वो किस तरह बनाएंगे वो भी बताता हूँ। इन तरीके से तुम मिर्च ठाईद ढी ज़बरदस्त ठादियों, ये डिफरेंट एक रेसिपी है, दही मिर्च गर्मी की रेसिपी है, कुछ नो वे तक खाने जो दिल नो करे, ये मिर्च तैयार पिया हूँ या तैयार कर वो मानी से गुट खाइंद चावर से गुट खाइंद ढी ज़बरदस्त लगन ती,
गड लस्सी ठाई वो गर्मी की ढी जब तेजी ना इन में छाकाण में मसालो अस भरे छो मिर्च जन असा वो फिका ही हूँ छाकाण तन जहाँ बिज में कढ़ी छा ठीक है। इन तरीके से मिर्चों में सजो मसालो भरंदा वनो मिर्चों के अंदर मसाला भरते जाए। ये गर्मियों की स्पेशल रेसिपी है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, ये खाना बता रहे हैं मिर्चे भर रहे हैं, इनसे बात करनी है प्रोग्राम में। कहाँ से बात कर रही हैं, कौन से सिटी से? मैं करंटली शहर से बोल रही हूँ जी। कुछ कहना चाहेंगी? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहना चाहेंगी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ रही है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अच्छा अच्छा जी 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 बोलें, कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? जी ये जो मटर के वो कबाब बनाना सिखाए थे ना, वो अगर रेसिपी आप कर दें रिपीट। ठीक है, मैं रिपीट करवा। और पुलाव, मटर पुलाव का, मटर अफगानी पुलाव जो, अफगानी पुलाव या मटर पुलाव, क्या कह रही हैं? अफगानी पुलाव, मटर पुलाव की रेसिपी। अफगानी पुलाव मुझे बनाने हैं, अब मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद, और मटर पुलाव भी मैं बनाना सिखा दूंगा। ठीक है जी, ठीक। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये हो गया। इस तरह सारी मिर्चें आपने भर दी। जितना मसाला मैंने बनाया था ना, पूरा मिर्चों में आ गया, एक पाव के करीब मिर्चें होनी चाहिए। ठीक है, एक पाव जितनी मिर्चों जो, अब जो मसाला बच गया दो खाने के चम्मच, ये हम बाद में ऐड करेंगे। कितनी मिर्चें? दो, दो चार, पाँच छः, सात आठ, नौ दस, ग्यारह बारह, चौदह पंद्रह, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस, चौबीस मिर्चें हैं। ठीक है, चौबीस मिर्चें हैं ये। और अगर आधा पाव की बनाएंगी आप 12-15 मिर्चों से, तो फिर जितने मसाले मैंने इसमें डालें सब की क्वांटिटी आपने हाफ़ कर देनी है। ठीक है, लेमन जूस भी इसी तरह से हाफ़ होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है ऑयल सरसों का। ठीक है, जिस कढ़ाई में बनाएंगे, जी कढ़ाई में ठाई दो हिंदे विझंदो सरें जो ऑयल, सरसों का ऑयल डाल दिया। ठीक है, सरसों के ऑयल में ही बनेगा। हाफ़ कप सरसों का ऑयल डाला। ऑयल जैसे यहाँ पे कड़कड़ाने लगेगा, इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, ये ऑप्शनल है। अगर कड़ी पत्ते नहीं तो उसके बगैर भी बन जाएगा, अगर कड़ी पत्ता है तो और ज़्यादा अच्छी बनेंगे। ठीक है, 8 से 10 कड़ी पत्ते। कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अंकल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ऑनर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी से कश्यप बात कर रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक है बेटा? जी हम ठीक है। कुछ कहना चाहेंगी? जी हमें वेजिटेबल पिज्ज़ा पूछना था। क्या वेजिटेबल? क्या वेजिटेबल पिज्ज़ा पूछना था? वेजिटेबल पिज्ज़ा जी। ठीक है, आप यूट्यूब पे देख लें, मेरे रेसिपी हैं पिज़्ज़ा की बहुत सारी, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है? नहीं वो यूट्यूब तो यूज़ करते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा वेट करें, 1-2 वीक में मैं बनाना सिखा दूंगा फ्राइंग पैन में। ठीक है? अच्छा अच्छा, उसका वो बता दे पिज़्ज़े में क्या क्या डलता है। ये इस तरह आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये इतना आसान नहीं पिज़्ज़ा बनाना जब तक आप देखेंगे नहीं। ठीक है जी, जब तक आप देखेंगे नहीं पिज़्ज़ा, इस तरह मैं नहीं बता सकता, आप बना नहीं सकेंगी। पिज़्ज़ा बनाना आसान नहीं है, इसकी डो वगैरह और टाइम इतना नहीं होता कि मैं पूरी रेसिपी आपको यहाँ पे बताऊँ, लेंथी होती है। ठीक है, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा या फिर मैं बनाऊँगा तब देख लीजिएगा। अच्छा, ये मिर्चें अब हल्के हाथ से आपने घुमानी है, क्योंकि मिर्चें जो हैं वो मसाला बाहर ना जाए। ठीक है, मिर्चों जेकेन जो मसालो बाहर ना अचे, तो मिर्चन के तां हल्की बाहे ते इन तरीके से मिक्स कर दो। अब मैं इसको कवर करूँगा 2 मिनट के लिए, ताकि एक तरफ से कलर आ जाए, फिर दूसरी तरफ पलटेंगे। मिर्चों को घुमाना नहीं है, क्योंकि मिर्चों को अगर आपने घुमाया तो इसका सारा मसाला बाहर निकल जाएगा, मसाला अंदर ही रहना चाहिए। और हल्की आंच कर दें 3-4 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी सेकंड रेसिपी है, जो पहले हम बना रहे थे वेजिटेबल मिक्स दाल, ये अच्छी खासी गल चुकी है। देखिए ज़बरदस्त ये गाढ़ापन आ गया। अब जो इसके अंदर सब्ज़ियाँ हैं ना, वो हमने चेक करनी है एक एक उठा के। हाँ जिन जिन भाजियों हैं वो चेक कंदासी, सभी का पहली लौकी है, पटाटो खड़ो था, आलू उठाया, आलू गल गया। ठीक है, लौकी का पीस उठाएं। इस तरह आपने सारी सब्जियां चेक करनी है। लौकी गल गई, देखिए बिल्कुल गल गई है, साबित भी है और गली हुई भी है। अब हमने यहाँ पे गोभी उठाई, गोभी भी बिल्कुल गल गई है, ये देखें
ठीक है, ग्वार फली है, जो जो सख्त चीज़ें हैं जिन पे डाउट होता है, ये देखें गाजर भी गल गया, बैंगन तो वैसे ही गल जाता है, ग्वार फली भी हमारी गल चुकी है। ठीक है, ग्वार फली ये रही, ये भी मैंने उठाई, ये देखें ग्वार फली भी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौनो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौनो कहाँ से बात कर रहे हैं? शुक्र मैं तो कराची से बात कर रही हूँ जी। कुछ आपके डिशेज बहुत अच्छे हो रहे हैं। थैंक यू। आप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आमीन। और ये अगर हफ्ता जैसे मसाला टीवी पे वो आते हैं हफ्ते में, आप तो हफ्ते में मेरे ख्याल में 3 दिन करते हैं प्रोग्राम? मैं 3 दिन करता हूँ। तो आप अगर हफ्ते में मतलब डिशेज दिखाएंगे, जैसे हम घर में अमूमन ये डिशेज पकाते हैं, आप बहुत अच्छे सिखाते हैं। शुक्रिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कामयाबी दे। आमीन जज़ाकअल्लाह। आमीन। और मेरे फरमाइश है आप केरी का अचार सिखा दे। केरी का मिक्स अचार इंशाल्लाह। देखिए केरी एक मिर्चे, हाँ जी, हाँ, इनका अचार सिखा दीजिएगा। बस आप एक हफ्ता वेट कीजिएगा, एक हफ्ता और गुजर जाए, केरियाँ थोड़ी अच्छी आ जाएं। तो पूरा 1 से 2 वीक में करूँगा केरी का, उसमें बहुत सारे अचार हैं, बहुत सारी चटनियाँ, डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ हैं केरी की। बस एक हफ्ता आप वेट करें, इंशाल्लाह मैं पूरा वीक करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अब देखें हरी मिर्चों का कलर चेंज हुआ, मैंने इनको पलटा दिया। और जो मसाला ऑयल में निकल रहा है निकलने दें। ऑयल आपने सरसों का लेना है 1/2 कप, गरम करके फिर आपने डालना। और कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, मिल रहा है तो डालें, नहीं मिल रहा तो उसके बगैर भी बन जाएगी। अभी देखें मिर्चों के अंदर मसाला लगा हुआ है और मिर्चों का कलर चेंज हो गया है दोनों साइड से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, अर्ध चाय जो चमचो है डिवीजन दम मसालो। अगर लहे भी पियो ना थोड़ो घणो, भली लहे वो ऑयल में रहंदो। 1/2 कप असा ऑयल खयो सरे जो, सादे ऑयल में न कजो, सरे जो ऑयल में ही सुठो ठहंदो। साई मिर्चन जो कलर चेंज थी वियो, बिन्हीं पासन का गाढ़ियूं थियन पयूं, सड़न न खपन। हाणे हेड विझंदासीं 1/2 चाय जो चमचो, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे दही, मेरे पास है 1/2 पाव। 1/2 पाव आपने दही लेनी है पूरी नाप के, या 1/4 कप दही लेनी है। ठीक है, दही को आपने फेंटना है अच्छी तरह, 1/2 पाव दही ये इसके ऊपर आपने इस तरह फैला देना। ठीक है, दही फैला दिया, 1/2 पाव दही होना चाहिए। अगर 1/2 पाव का हिसाब नहीं आ रहा तो आपने 7 खाने के चम्मच टेबल स्पून दही ले लें, 7 टेबल स्पून दही ले लें, बस बहुत ज़्यादा दही नहीं होनी चाहिए। अब पतीले को आपने इस तरह हल्के हल्के घुमाना है, इस तरह नहीं है तो कपड़े से पकड़ के आराम आराम से घुमाएं। दही अपना पानी छोड़ेगी, कवर नहीं करना है अभी, दही अपना पानी छोड़ेगी। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, दही का जो प्याला था उसी में आपने पानी डालना है 1/2 कप। दही जो जेको प्यालो हो हुनी में तहां पानी विझंदो 1/2 कप, और इस पानी को दही में अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि दही का पानी जो है वो बन जाएगा और पानी फीका नहीं होगा। अब ये 1/2 कप जो पानी है ना, ये दही के प्याले में घुमा के ये भी इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, अब इसको हल्की आंच पे आपने छोड़ देना है 7-8 मिनट तक। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां सां मुंहिंजे हिकु दही वारी मिर्च ठाहियूं पिया, तमामु बहितरीन। हिन में दही विधी 1/2 कप, यानी 1/2 पाव दही विधी। ठीक है, 1/2 पाव दही डाली और दही के साथ थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद 1/2 कप पानी उसी दही वाले प्याले में घुमा के आपने डाल देना है। और इसको कवर इसलिए किया था ताकि मिर्चें नरम हो जाएँ, क्रंच ख़त्म हो जाए मिर्चों का। मिर्च नरम थी वञनि ऐं जी जेका कड़कपन हूंदो आहे न मिर्चुनि में, क्रंची हूंदियूं आहिनि, उहो ख़तम थी वञनि। हाणे जेको मसालो असां मिर्चुनि में भरियो हे बचियो आहे, ये देखिए मसाला जो मिर्चों में भरा था ना, ये आपके पास ही बच जाएगा 2-3 खाने के चम्मच, ये भी आपने इसमें ऐड कर देना है पूरा मसालो। जेको मसालो मिर्चनि जा भरण जो बचियो हो इहो बि तव्हांजे अंदरि ऐड करे छॾंदो। ठीकु आहे, ये मसाला बि ऐड किया, ज़्यादा मिर्चों को हिलाना नहीं है। ठीक है, मिर्चों का कलर आपने देखना है बिल्कुल जैसे तैयार हो जाए, चेंज हो गया मसाला, देखिए इसके अंदर भरा हुआ है। अब मैं चूल्हा तेज़ करूँगा और इसका जो जितना पानी है वो ड्राई करना है, दही का पानी ड्राई करना है, जो सरसों का ऑयल था वो निकल के ऊपर आ जाएगा तो हमारी मिर्चें हो जाएंगी तैयार, ज़बरदस्त किस्म की दही वाली मिर्च। ठीक है, और इसको फिर हम कर देंगे डिश आउट।
उसके बाद हम वेजिटेबल की तरफ जाएंगे और उसका भगार बनाएंगे। और जिस बॉल में आप निकालें ना, उसको टिश्यू से अच्छी तरह, गीलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी, अगर इसमें पानी होगा ना बर्तन में, तो ये आपकी मिर्चें ख़राब हो जाएंगी, ज़्यादा आप रख नहीं सकेंगे। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। थैंक यू। कोई फरमाइश करनी है, कुछ पूछना है? कवामी से, वही सिवामी सिवैया कवामी सिवैया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनाऊंगा ना। अच्छा अच्छा। हाँ असल में मीठे खत्म हो गए ना, तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी कुछ बनाए, तो मैंने कहा फैसला से कहा सिवामी सिवैया बनाने को। नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बना दूंगा, थर्सडे को या बल्कि वेडनेसडे को ही बना दूंगा। ठीक है, अच्छा बस चार दिन इंतजार करें। हाँ करूंगी जरूर। जी जी फैसल, वो एक बात पूछनी थी। बिल्कुल पूछिए। वो खुबानी का मीठा बनता है ना बेटा? हाँ वो जो हैदराबादी। जी 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 ठीक है। तो एक तो कस्टर्ड वाला बनता है और एक खाकी क्रीम की रेस बनता है। एक कस्टर्ड वाला और दूसरा कौन सा कह रही है? एक मैं खाली खुबानी बना के ना उससे क्रीम की रेस लगाते हैं, क्रीम फ्रेश क्रीम की जो लेयर होती है। जी 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 ठीक है। तो यही दो फरमाइश है, मैं मीठे की ज्यादा करते हैं, मैं मीठा ज्यादा खाया जाता है ना। अच्छा माशाल्लाह, मीठा बहुत शौक से खाते हैं सब। जी 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 चलें ठीक है। कौन सा वाला चाहिए आपको, कस्टर्ड वाला या क्रीम वाला? मैं क्रीम वाला तो मैं बना लेती हूँ, कस्टर्ड वाला मेरी समझ में नहीं आता। चलें मैं इंशाल्लाह जल्द बना दूंगा वो भी। ठीक है ठीक है बेटा, जजाक अल्लाह खुश रखो, आबाद रहो। आमीन आमीन। अब देखें इसे मैं हिला रहा हूँ ना, इससे क्या हो रहा है कि ये जितनी मिर्चें हैं ना, इनका जो मसाला है वो भी बाहर नहीं आएगा, ऑयल सेपरेट हो जाए, दही खुश्क हो जाए, दही से इसका फ्लेवर आएगा। दही मिर्च बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसको आप एक हफ्ता, आप गर्मी है तो बाहर नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। ठीक है टेम्परेचर क्योंकि आजकल बहुत गर्मी की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से ही ख़राब हो जाती है, तो आप फ्रिज में रखें, एक हफ्ता 10 दिन चलाएँ, वरना ये इतनी मज़े की 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी अगर शौकीन हैं खाने वाले। ये तेज़ नहीं होंगी, ये बड़ी डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी है। दाल चावल के साथ खाएँ बहुत अच्छी लगेगी, सिर्फ सूप सादी रोटी के साथ खाएं तब भी बहुत अच्छी लगेगी, नाश्ते में भी अगर पराठे के साथ खाएं तब भी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है बिल्कुल मुख्तलिफ रेसिपियाँ ना, इनमें तेज़ी आए छाकाण था संजय बिज कढ़ी छा मोटा सावा मिर्च यूज़ कयान हुए तेज़ नथा हुजन आई हे तुम दाल चावर से गुड खाई सको था, इनके तुम मानी से गुड खाई सको था, कुछ भी पचाने जो दिल ना पे करे, सिर्फ मिर्च गड दही रखी छो, लस्सी खाई छो, तभी भी सुची लगेंगी। अब इसका बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया ठीक है, और इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे भगार की तरफ। सेकंड रेसिपी का भगार बनाना है, तो इसको ठंडा कर लीजिएगा, किसी जार में ऐसी बोतल में नहीं भरना है अपने, खुले प्याले में रखें ताकि ख़राब ना हो ठीक है। और अगर किसी उसमें रखनी चाहती हैं बॉक्स में, तो फिर ठंडा करके, देखिए बिल्कुल ड्राई बना है, ज़बरदस्त बना है, दही के जायके के साथ और सरसों के तेल के साथ, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आएगा। ठीक है सरें जे तेल से ठाई जो तो इनको जो जायको आठो सुठो निकली, अगर सादे तेल में भी ठाई ठाई सोता, लेकिन ये शे सरें जे तेल में सुठी लगती। अगर आपको सरसों का ऑयल नहीं पसंद, तो आप नॉर्मल ऑयल में भी बना सकती हैं, या तो फिर आप क्या करें, जैसे 6 खाने के चम्मच आप ले लें नॉर्मल कुकिंग ऑयल, और 4 खाने के चम्मच आप ले लें सरसों का ऑयल, तो इस तरह भी आप कर सकती हैं, लेकिन इसमें सरसों के ऑयल से ही जायका आएगा। ठीक है ये देखिए दही मिर्च हमारी तैयार हो गई है। अब इसके बाद वेजिटेबल की तरफ आते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं साइड्स। हरी मिर्चें और सॉरी हरा धनिया वगैरह इस पर डालने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, साफ धाना वगैरह विझण की ज़रूरत ना है, बिल्कुल ज़बरदस्त इन्हीं तरीके से। कड़ी पत्ता कराची में तो मिलता है, हैदराबाद वगैरह में शायद मिलता है, नहीं है तो फिर आप कड़ी पत्ते बगैर बनाएं, लेकिन कड़ी पत्ते से इसका फ्लेवर निकल के आएगा। दाल देखें बिल्कुल, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, दाल हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त वेजिटेबल दाल इस तरह देखें, सब्ज़ियाँ खड़ी खड़ी साबित भी हैं, मटर वगैरह हर चीज़ गल भी गई हैं, और दाल देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी, क्योंकि मूंग और मसूर की दाल फ़ौरन गल जाती है। घोटा नहीं लगाना है क्योंकि सब्ज़ियाँ इसके अंदर टूट जाएंगी ठीक है, घोटणो ना है इनके, भाजियों टूटी वेंदियूँ। ये बिल्कुल ज़बरदस्त असांजी रेसिपी तैयार थी भैया, मिक्स वेजिटेबल दाल, इनजो नालो है मिक्स वेजिटेबल दाल ठीक है। अब इसके ऊपर जो भगार बनेगा वो हम बनाएंगे घी से, हरा धनिया डाल देते हैं इसमें पहले, कितना 4 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच सावा धाना ठीक है, और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, आधे चाय जो चम्मचों गरम मसालो पाउडर आई, उनके बाद सावा धाना
चार खाने का चम्मच, चार खाने के चम्मच हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर लगा दिया मैंने, इसके ऊपर डाल दिया। अब हम लेंगे कढ़ाई छोटी जो भगार वाली हमारे पास, इसमें हम डालेंगे बनस्पति घी। अच्छा, भगार हम घी से देंगे तो घी से बहुत अच्छा इसमें भगार आएगा। ठीक है, तकरीबन सात खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे बनस्पति घी लिया। घी में भगार हमेशा अच्छा बनता है। अब इसमें जैसे घी मेल्ट होगा तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इसमें छोटा सा प्याज, दो खाने के चम्मच से तीन खाने के चम्मच जितना प्याज, हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ। ठीक है, लच्छे में हाफ स्लाइस कटिंग थेल बसर। प्याज जैसे यहाँ पे ब्राउन होने लगेगा फिर हम इसमें डालेंगे साबित लाल मिर्च। साबित लाल मिर्च कितनी डालनी है, छः अदद। ठीक है, जिसमें से दो मैं तोड़ के डालूंगा। साबित लाल मिर्च जब भी भगार में डालें तो तोड़ के एक दो डाला करें, उससे क्या होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भगार का। बड़ लौंगी मिर्च तोड़े विझो, चार लौंगी मिर्च साबित विझो। जो हाणे जॾहिं बसर गाढ़ो थींदो, लौंगी मिर्च इनमें सड़ंदा, उन जे बाद असां छा कंदासीं, इनमें विझंदासीं कढ़ी पत्ता, थूम ऐं ज़ीरो। कढ़ी पत्ता न आहिनि त उन जे बग़ैर बि ठही वेंदी, कढ़ी पत्ते खां फ्लेवर ॾाढो सुठो ईंदो आहे। कड़ी पत्ता नहीं है तो उसके बगैर भी बन जाएगी। कड़ी पत्ते से क्या होता है कि फ़्लेवर अच्छा आता है, तो इसलिए कड़ी पत्ता डालें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बहुत सारी फरमाइशें आप लोग की सारी पूरी करेंगे। कवामी सेवैयाँ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है वो भी। उसके अलावा नरगिसी कोफ्ते में बनाऊँगा नेक्स्ट फ्राइडे को, जिनकी फरमाइश थी कल आई थी कॉल नरगिसी कोफ्तों की, वो हम बनाएंगे फ्राइडे को। ठीक है, और कवामी सेवैयाँ हैं वो हम बनाएंगे बुध वाले दिन, और फिर बीच में भी देखते हैं दो तीन अच्छी रेसिपीज़ हैं, फरमाइशें ये सारी पूरी करनी है। तो इस तरह पे उसके बाद जो वीक आएगा उसमें हम करेंगे केरी का वीक। ठीक है, केरी का वीक मतलब कि कच्चे आम जो अब सख्त आने लगे, गुठली सख्त आ रही है, तो उसकी काफ़ी सारे मुरब्बे हैं, चटनियां हैं, अचार हैं, दो तीन चार किस्म के। ये दो वीक या डेढ़ वीक मैं करूँगा इस तरह, ताकि पाँच छः प्रोग्राम हम केरी के करें, उसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर प्याज ब्राउन होने लगा है, साबित लाल मिर्च का कलर चेंज होने लगा है, बसर जॾहिं गाढ़ो थियण लॻे, बसर इलाही न विझो, टे खाणी जा चमचा, ॿ खाणी जा चमचा। हाणे में विझंदासीं थूम, लहसुन के चार जवे ले लें, लंबाई में काट के जैसे हम भगार में डालते हैं उस तरह डाल दें। लहसुन डाल दिया, आठ दस कड़ी पत्ते डाल दें, पंद्रह। ठीक है, कड़ी पत्ते डालने के बाद जैसे कड़ी पत्तों की खुशबू आएगी तो हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा एक चाय का चम्मच आखिर में। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा एक चाय का चम्मच, और ये जैसे भगार बना ये हम डाल देंगे दाल में और इसको करेंगे मिक्स। ये हो गया तैयार, प्याज साबित लाल मिर्च सब। ठीक है, हाँ ढक हथ में खणंदासीं, ये दाग इनके मथा फैलाई छो, पूरा भगार फैला दिया, कवर कर दें और फिर इसको दो मिनट के बाद निकाल देंगे। ये हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। खुशबू आ जाती है बहुत अच्छी जब हम भगार देते हैं दाल में सब्ज़ी में, तो उसको कवर करके रखा करें। कवर करने से क्या होता है कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। ठीक है, ये होगी कंप्लीट हमारी रेसिपी। थोड़ी सी भाई इसमें से दाल निकाल के इसमें डालेंगे, इसको मिक्स करें दाल को। हाँ मिक्स कंदो दाल के, ठीक है, मिक्स करें इनके डिश आउट के उठंदी। ॾाढी ज़बरदस्त ही दाल वेजिटेबल आहे, मुख़्तलिफ़ रेसिपी आहे दाल ऐं भाॼी जी। ठीक आहे, देखें बिल्कुल ईज़ी दाल मिक्स वेजिटेबल हो गई तयार, इसको भी डिश आउट करते हैं। कि कल रिपीट चलेगा, सुबह 9 बजे देख लीजिएगा जहाँ से आपसे कोई चीज़ मिस हो रही हो। ठीक है, ये देखें साबित साबित इसमें सब्जियाँ नज़र आ रही हैं और गली हुई भी हैं, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त है भगार से, घी के भगार से बहुत अच्छा जायका आता है भगार का। ठीक है, हमेशा घी से भगार दिया करें, जब भी आप दाल को भगार दें तो घी से दिया करें। कुकिंग ऑयल से हम वैसे ही भगार बनाते हैं, घी का जो भगार होता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। सब्जियाँ भी इसमें साबित भी हैं और गली हुई भी हैं, इस तरीके से आप बनाएं। ग्वार फली ज़रूर डालिएगा, ग्वार फली इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। जो वेजिटेबल आपको पसंद हो आप डालें। ठीक है, जेका भाजी तांके पसंद हो जे तां विझी सको था, इनमें पांजे हिसाब सां घटवत करे सको था। ठीक है, ये असांजी रेसिपी ज़बरदस्त तैयार थी वही।
और एक फैमिली के लिए, क्योंकि मैंने दाल की क्वांटिटी 1.5 कप रखी थी, कच्ची जो थी भीगी थी, ठीक है, और सब्ज़ियाँ भी क्वांटिटी तकरीबन 1.5 पाव जितनी होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ भी ना हो, बहुत ज़्यादा दाल भी ना हो, फिर वो बैलेंस आउट हो जाता है और ये 6-7 अफराद आराम से खा लेते हैं एक फैमिली के लिए। तो इतनी क्वांटिटी में बनाता हूँ कि एक फैमिली आराम से खा लेती है, ठीक है। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असान जो YouTube चैनल सिंटीवी HD कुकिंग शो।